स्किजोफ्रेनिया के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। स्किजोफ्रेनिया यह एक मन का कैंसर कहा जाता है। हमारे देश में करीब करीब 10 लाख लोग हर साल में स्किजोफ्रेनिया के तैयार होते रहते हैं। यह ऐसी बीमारी है कि जो एक बार आ गई तो उसका इलाज कम से कम 1 से 3 साल तक करना पड़ता है और फिर कंप्लीट रिकवरी होंगी नहीं होंगी मालूम नहीं है। इसके क्या लक्षण है ये पहले आप जान लो। इसके जो मेन लक्षण है वो है डेल्यूजन्स एंड हेल्यूसिनेशंस। डेल्यूजन मतलब फाल्स बिलीफ। फाल्स बिलीफ मतलब झूठे विश्वास, अंधविश्वास या झूठे विश्वास। वो कैसे है कि उनको लगता है कि भाई मुझे कुछ लोग मारने आ रहे हैं, मेरे बारे में लोग प्लान कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे खाने में कुछ मिलाकर मुझे मार डालेंगे, डिल्यूजन ऑफ पॉइजनिंग। फिर उनको टेस्ट भी वैसे लगने लगती है। कुछ लोग लगता है कि मेरी पत्नी जो है उसका कैरेक्टर खराब नहीं है, उसके और कहीं संबंध है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी है। या कुछ लोग लगता है कि पुलिस मेरे पीछे आएंगी, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसा डिल्यूजन अलग अलग प्रकार के उनको होते रहते हैं। कुछ लोगों का हेल्यूसिनेशन रहते हैं उसके साथ में। हेल्यूसिनेशन मतलब कानों का भ्रम है। तो कानों का भ्रम है, जब उनको आवाज आती है वो लोग अननोन होंगे, नोन होंगे, उनकी आवाज आती है, उनके बारे में बात करें उनको ऐसा लगता है। और फिर उनको सिर्फ कानों के नहीं, उनको आंखों के भी भ्रम हो सकते हैं। उनको कोई चित्र दिखाई देंगे, कुछ लोग आ रहे मारने के लिए, ऐसा भी उनको दिख सकता है। तो ये हो गया भ्रम, आंख और कान के दो मेन भ्रम है। इसके अलावा फिर उनको नींद नहीं आना, फिर एकदम इरिलेवेंट बातें करना, एकदम इनकोहरेंट इरिलेवेंट बातें हैं। और साथ साथ फिर निगेटिव सिम्टम्स बहुत लोगों को रहते हैं। तो निगेटिव सिम्टम मतलब क्या है? निगेटिव सिम्टम मतलब कि कोई काम में रुचि नहीं होना, बिल्कुल काम में रुचि नहीं है, कोई प्लेजर नहीं है, मतलब उनको मजा ही नहीं आता कुछ करने के लिए। वो लोग काम पे जाएंगे नहीं, घर पे बैठ जाएंगे, बेड से नीचे भी उतरेंगे नहीं। और उनको वो जो हेल्यूसिनेशन जो होते रहते हैं, भ्रम कान के या विचार, तो उसको वो रेस्पॉन्ड करते रहते हैं, बोलते रहते उनके साथ में। तब तक लगता है कि वो अपने खुद से बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है खुद से बात कर रहे हैं, वो जब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल समझता भी नहीं अपने को कि क्या बात कर रहे हैं। कभी उनको लगता है कि नहीं टीवी में मेरे बारे में बात करना चालू है, टीवी में, रेडियो पे मेरे बारे में न्यूज़ आ रही है, ऐसा भी कुछ लोगों को होता है। निगेटिव सिम्टम में काम करना वो बंद कर डालते हैं। उनको कोई इमोशन नहीं होते, फ्लैट इमोशंस हो जाते हैं, एकदम फ्लैट इमोशंस, मतलब खुशी भी नहीं, दुख भी नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो इस तरह के निगेटिव इमोशंस है कि जिसके वजह से वो आदमी घर के बाहर भी निकलता नहीं है, कुछ काम भी नहीं करता है। अभी ये इसका कारण क्या है? तो ऐसा स्टडीज में मालूम हुआ है कि यदि माँ बाप दोनों को यदि स्किजोफ्रेनिया हुआ है तो 40% बच्चों को ये होने का चांस है। और यदि माँ और बाप दोनों में से एक को ऐसा है तो 12% बच्चों को ये होने का चांस है। मतलब जेनेटिक लोडिंग यदि रहा तो ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये लोग जो है ना पहले से थोड़े से ऐसे, इनका व्यक्तिमत्व ऐसा रहता है कि चुपचाप रहना, ज़्यादा बातें नहीं करना, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव है, थोड़ा शकीला स्वभाव है। मगर ये ऐसे लोग खप जाते हैं, मतलब लाइफ में लोग बोलते हैं ठीक है चलते हैं, ऐसा स्वभाव ही है, ज़्यादा ख्याल नहीं दिया जाता। मगर ये लोगों को जब एकदम बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में, बहुत बड़ी घटना हो जाती है, तनाव आ जाता है, एकदम ब्रेक हो जाएंगे। फिर कुछ स्टडीज के मुताबिक ऐसा है कि डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स ज़्यादा होने से ये बीमारी होती है ऐसा कहा गया है, मतलब ऐसा बताया गया है। तो ये स्टडीज है कि डोपामिन हाइपर डोपामिनर्जिक सिंड्रोम बोला जाता है इसको, कि बहुत ज़्यादा डोपामिन, मतलब जो केमिकल ब्रेन का है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इससे ये बीमारी होती है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है प्राथमिकता जो है वो दवाई की है। एंटीसाइकोटिक्स दवाई देना जरूरी है। न्यूर एंटीसाइकोटिक है, नवी नवी एंटीसाइकोटिक्स, नवी नवी दवाई है, पुरानी एंटीसाइकोटिक्स है। मैं तो दोनों भी इस्तेमाल करता हूँ, दोनों का भी अलग अलग फायदे दोनों के हैं, वो दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर ये बंद नहीं करना चाहिए जल्दी। देखो स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स यदि 6 महीने तक ये सिम्टम्स है तो हम बोलते हैं स्किजोफ्रेनिया है। जब 6 महीने तक ऐसे सिम्टम है तो दवाई भी 1 से 3 साल तक लेना जरूरी है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि दवाई बंद भी नहीं कर सकते, लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। अब दवाई के साइड इफेक्ट है करके लोग लेते नहीं है। कुछ दवाई के ऐसे साइड इफेक्ट है कि बहुत नींद आना, मुंह सूख जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, फिर कुछ ऐसी बॉडी की रिजिडिटी होना, ऐसा बॉडी कड़क हो जाना, थूक ज़्यादा आना, तो ऐसे साइड इफेक्ट है
मगर वो साइड इफेक्ट की भी ट्रीटमेंट हो सकती है और वो साइड इफेक्ट कम कर सकते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा हो गया, पेशेंट मान नहीं रहा है, बिल्कुल एंटीसाइकोटिक काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। हमने क्या किया, हमारे इसमें हमारे हॉस्पिटल में दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में हम जब रिश्तेदार पेशेंट को लेके आते हैं तो रिश्तेदार उनके साथ में हम पेशेंट को रखते हैं, वो उनका इलाज करते हैं, इलाज करके घर पर ले जाते हैं। दूसरा हॉस्पिटल हमने ऐसे बनाया हुआ है कि जो रिलेटिव रह नहीं सकते पेशेंट के साथ में, उनको जाना है अपना काम करने के लिए, हम पेशेंट को रखते हैं, उनको अच्छा करते हैं, फिर बाद में उनको घर पे भेज देते हैं। वो हॉस्पिटल इसलिए भी है कि उनको घर में रखना मुश्किल हो जाता है ये पेशेंट लोगों को, पुराने मरीज हो गए, मारपीट करते हैं, आक्रामक बन जाते हैं, तो घर में रखना मुश्किल है, घर में लेडीज रहती है, बूढ़े लोग रहते हैं, कभी भी आक्रामक होते हैं ये, तो उनको भी हम हमारे यहाँ लंबे समय तक रखते हैं और उनका इलाज करते हैं। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आप भी हमारे पार्टनर बनिएगा, आप हमारे से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, जूम कॉल कर सकते हैं, और हमारे असिस्टेंट्स है, काउंसिलर से, उनसे बात करके मेरी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। यदि पेशेंट को एडमिट करना है तो डायरेक्ट भी हम आपके घर से पेशेंट को लेकर आ सकते हैं एम्बुलेंस से, तो हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा जो मकसद है उसमें आप भी हमारे पार्टनर बनिएगा। थैंक यू वेरी मच।